हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित बेसलाइन आकलन 2021-22 कक्षा 8वीं विषय संस्कृत के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बगल में बेल घंटी है उनको भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश से राजधानी टैस अस्थि, इसका उत्तर होगा रायपुर। दूसरा है, प्राचीनतमा भाषा अस्थि, इसका उत्तर होगा संस्कृत। मम विद्यालय से नाम, अपने विद्यालय का नाम लिखना है। मम प्रिय विषय संस्कृत अस्थि, संस्कृत के अलावा कुछ और भी विषय हो सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परोपकार किसे कहते हैं? तो परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना। परोपकार एक ऐसा कार्य है जिससे शत्रु भी मित्र बन जाता है। सत्संगति से होने वाले लाभ, तो सत्संगति से मनुष्य में धैर्यवान, बुद्धिमान और परोपकारी का भाव उत्पन्न हो जाता है। किसी प्राचीन स्थल का नाम लिखिए। तो कवर्धा जिले से 16 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल श्रेणियों से बसा हुआ भोरमदेव स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। वेदों की संख्या है 4। रामायणम किस भाषा में लिखी गई है? तो ये है संस्कृत। महाभारत के मुख्य पात्र आपके अनुसार कौन है? अर्जुन। उसके बाद आपके एक कारक रचना को पूरा फिल करना है। बालका के बाद आपका आ जाएगा द्विवचन में बालको। दूसरे वाले में भरेंगे आपका बालकान। तीसरे में आपका आ जाएगा बालकेन। चौथे में आ जाएगा बालकाभ्यम और पांचवे में आ जाएगा बालकेभ्यः। उसके बाद मोबाइल के बारे में लिखना है आपको। अस्मिन यंत्र युगे चल दूरभाषया महत्वम अधिकम, एतत् लोकप्रिय यंत्रम अस्ति। बाला वृद्धा युवका सर्वे चल दूरभाषाया उपयोगं कुर्वन्ति। अनेन शीघ्रमेव संदेश प्रेषणं वार्ता च भवति। चित्राकर्षणं गणनादिकं न जाने कति कार्याणि साध्यति एतत्। तो इस तरह से आपको मोबाइल के बारे में 5 पंक्तियां लिखना है। उसके बाद आपका आदर्श छात्र पाठ के आधार पर आदर्श छात्र में कौन-कौन से गुण आवश्यक है। आदर्श छात्रों का जो जीवन होता है तप के समान होता है, तपस्वी के समान यहाँ पर प्रतीत होता है। उसके बाद आदर्श छात्र अच्छाइयों को अपनाता है और बुराइयों को त्याग देता है। आदर्श छात्र अपने समय का सदुपयोग करते हैं। आदर्श छात्र और अध्ययन में अपना मन लगा रहता है। वे सदा माता पिता गुरुजनों का आज्ञा का पालन करते हैं। आदर्श छात्र प्रातः काल अपने माता पिता का नमस्कार करते हैं, यानी कि प्रणाम करते हैं। उसके बाद आपका संस्कृत भाषा के महत्व को आपको बताना है। तो सभी भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। हमारी संस्कृति संस्कृत भाषा में ही निहित है। संसार के 4 प्रमुख वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए और संस्कृत एक क्या है? मधुर भाषा है, देवताओं की ये वाणी है। उसके बाद आपका कोष्टक में उचित क्रियापद चुनकर लिखिए। पहले में आ जाएगा आपका पठामी, दूसरे में आपका भरेंगे नमसी। उसके बाद आपका वचन पहचान का लिखना है। मोहना पुस्तकम पठती, ये आपका हो जाएगा एकवचन। अत्र वृक्षा सन्ति, इसमें आ जाएगा बहुवचन। छत्तीसगढ़ के किन्हीं 3 धार्मिक स्थलों के नाम लिखिए। महामाया मंदिर रतनपुर, बिलासपुर आपका, लक्ष्मण मंदिर शेरपुर, दंतेश्वाड़ा का दंतेश्वरी का दंतेवाड़ा मंदिर है आपका। तो ये 3 धार्मिक स्थल है। इसके अलावा भी बहुत सारे धार्मिक स्थल है, उसके बारे में भी आप बता पाएंगे इसके अलावा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू।